पेज नंबर 40 निकालो। मंगलमय जिन राज को समय हो गया है ना, 8:25 हो गई, समान होता थी उम्र। अभी एक विषय कल अपन ने प्रारंभ किया था, कल चर्चा हो गई थी, निश्चय और व्यवहार में विरोध है कि अविरोध है। दोनों वस्तु के भिन्न भिन्न अंशों को विषय बनाते हैं तो विरोध होना स्वाभाविक है। और एक बात समझ लो, विरोध का मतलब कोई दुश्मनी होता है, शत्रुता होती है, ऐसा नहीं है। हम आजकल देख रहे हैं ना, सब कल तक के विरोधी आज सरकार बनाने की सोच रहे हैं, कल तक के मित्र तलवारें खींच रहे हैं। है? मेरे में ये उदाहरण ज्यादा आते हैं। हम आप लोगों को भले पता नहीं होगा, इन लोगों को सबको पता है। क्यों चंद्र, तेरे को पता है कि नहीं? अरे यार पुण्यशाली जीव है। है? अरे इससे बढ़िया कुंड का उदय दूसरा कोई नहीं है, जैसे टीवी नाम की बीमारी ना हो। खैर, तो एक ने कहा नित्य, एक ने कहा अनित्य, एक ने कहा शुद्ध, एक ने कहा अशुद्ध। तो दोनों नयों के एक ही वस्तु के बारे में जो कथन विरोध भिन्न भिन्न होते हैं, वे परस्पर विरुद्ध होते हैं। वो तो ठीक है, निश्चय में भी ऐसा होता है। अभी आपको उसमें उलझा नहीं जाना चाहता कि सत और असत। तो निश्चय से ही वस्तु सत है और निश्चय से ही असत है। वो व्यवहार से असत है, घी के घड़े जैसी, ऐसा नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत है, तो वो असत धर्म भी वस्तु में सत धर्म के समान क्यों विवेक निश्चय से है, वास्तविक है। ऐसे अनित्यता भी नित्य है। ये कभी सुना? अनित्यता नित्य कैसे हो जाएगी? एक एक क्षणवर्ती पर्याय तो अनित्य है, लेकिन प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न हो गए, वो नष्ट हो गए, उत्पन्न हो गए, नष्ट हो गए। ये कभी कब से चल रहा है ये सिलसिला? अनादि से कब तक चलेगा? तो जो वस्तु अनादि निधन कायम रहने वाली है अपने स्वरूप में, तो ये उसकी नित्यता भी ध्रुव है। और जो प्रति समय बदलने का स्वभाव है वो भी ध्रुव है, अनादि अनंत। ऐसी बहुत सी बातें हैं, इन सब का रहस्य इसमें दिया है, इसलिए इसका नाम नए रहस्य रखा है, है? आज अपन को प्रतिपाद प्रतिपादक इस प्रकरण पर चर्चा करनी है। पेज नंबर 55 निकाल ले रहे हैं, उसके आधार से ही अपन बात करते हैं। देखिए 8वीं से 12वीं गाथा समय सार की, उसमें कोई निश्चय व्यवहार की परिभाषा तो नहीं बताई, भेद प्रभेद तो नहीं बताए, लेकिन सीधे ये कह दिया कि व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन नहीं हो सकता। उदाहरण कौन सा दिया है? जैसे मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। अनार्य शब्द है, गुरुदेव बोलते प्रवचनों में, मूल गाथा में अनार्य शब्द है और टीका में मिलेच्छ शब्द है। ऐसे व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं समझाया जा सकता, यानी मनुष्य जीव है, हाथी जीव है, घोड़ा जीव है, अरे झाड़ पेड़ पौधों में भी जीव है, तो उनमें जो जीवपना है चेतना, उसके लिए इतना तो कहना ही पड़ेगा कि पेड़ पौधों में जीव है। ख्याल में आए ना? तो ये व्यवहार में प्रतिपादक है, यानी बताने वाला है, और निश्चय का जो विषय है वो प्रतिपाद्य है।
यानी व्यवहार के द्वारा, व्यवहार की शैली से बताना निश्चय को। मनुष्य जीव है कह के ये नहीं कहना है कि ये शरीर जो है मनुष्य का ये जीव है, ये तो मान ही रहे लेकिन मनुष्य शरीर के भीतर जो चेतना, चैतन्य पिंड, चैतन्य स्वभाव बैठा है वो जीव, ये समझाने की बात है। तो ये बहुत दिनों पहले जब ये नए रहस्य नहीं लिखी गई थी, हम तो कम से कम समझ लीजिए 40 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, 48 वर्ष जब से नयों के ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से पहले से चर्चा करते रहे हैं, तब ये चार बिंदुओं की माध्यम से निश्चय व्यवहार के प्रयोग कैसे समझना, 55 पेज आ गया ना इधर तो पहला तो है प्रतिपादक वाक्य, फिर है प्रतिपाद्य विषय, फिर है प्रतिपादन का संदर्भ, और चौथा है प्रतिपादन का प्रयोजन। ये चार बिंदुओं से जो भी कथन होते हैं वो आप समझ लेंगे तो उसका सही प्रयोग कर सकें, नहीं तो उतना स्पष्टता नहीं हो पाएगी। अब प्रतिपादक वाक्य माने क्या, वो अलग से नहीं मिलेंगे, सारी जिनवाणी में प्रतिपादक वाक्य ही है, ख्याल में आए ना। जैसे कि उन्होंने कहा आत्मा मनुष्य है, देव है, नारकी है, गुणस्थान वाला है, ये वाक्य जिनवाणी ही प्रतिपादक वाक्य है पूरी, कोई उसको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है, इससे आशय जिनागम में उपलब्ध कथनों से है, संपूर्ण जिनागम में वस्तु स्वरूप अथवा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, अतः समग्र जिनागम में प्रतिपादक वाक्य ही है। अब देखो चाहे निश्चय नय के कथन हो चाहे व्यवहार नय के कथन हो, दोनों कथन प्रतिपादक वाक्य है। वो निश्चय ने तो इसलिए कह दिया कि वो व्यवहार नय से जो कहा गया है उसका निषेध करता, समझ में आया ना। नहीं तो एक बात ऐसी चलती है कि जब व्यवहार नय निश्चय नय को बताता है तो निश्चय नय के कथन क्यों किए जा सकते, ये भी एक सोचने की बात है ना, है वो इसलिए किए जाते हैं कि तुम व्यवहार नय का सही मतलब समझ लो, इसलिए किए जाते। उदाहरण के तौर पर जब घी का घड़ा कहा तो अपन ने समझ लिया जिस घड़े में घी रखा है उस घड़े की बात है, हैं? तो घी से घड़े की पहचान तो हो गई ना, लेकिन असल में वो घड़ा है कैसा ये भी तो जानना है। तो निश्चय नय के कथन भी होते हैं कि घड़ा तो मिट्टी का है, घी का नहीं, ये उसका निषेध हो गया। निषेध करने के लिए एक धारणा अच्छी तरह से समझ लेना इस पूरी क्लास का पाठ, कि व्यवहार का मतलब पूजा पाठ व्रतशील संयम इतने ही मात्र नहीं होता, इसको व्यवहार से व्यवहार कहते हैं हाँ क्यों, क्योंकि ये तो जड़ की क्रिया है, शुभ राग है, और राग एक निरूपण दो, शरीर की उपवास किया तो उपवास एक निरूपण दो, हर चीज के दो निरूपण हैं। तो ये पूजा पाठ करना ये व्यवहार है ऐसा नहीं है, इसलिए पूजा पाठ छोड़ना वो व्यवहार का निषेध है ऐसा नहीं। निषेध का केवल इतना अर्थ है कि उसे परमार्थ नहीं मानना। इसकी चर्चा और अपन शायद कल परसों करेंगे, फिर सोच रहे हैं फिर आपको क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा भी बताएं। तो इसमें उदाहरण दिए जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा संसारी है, आत्मा देह से भिन्न है, देह आदि की क्रिया का कर्ता नहीं है अथवा कर्ता है। द्रव्य संग्रह में देखो हर गाथा में दोनों नहीं मिले हैं, पुगल कम्मा दीर्णम कत्ता व्यवहार दो दूने छह दो, ये सब चीजों की क्लास यहाँ चलती होगी ना, जब इतने दिन हो गए हैं, इतने सारे शास्त्री हैं जो भी हो। इसी में एक वाक्य लिखा है इधर, क्या कौशल पढ़ना जरा, पंडित साहब का स्लोगन है जहाँ जिन मंदिर में हाँ, तो मतलब
पाठशाला चले, युवकों की कक्षा चले, बहनों की कक्षा चले, उसके लिए विशेष रूप से आप बाहर से भी जो विदुषी बहने हैं, एक दफे हमारे यहाँ देवलाली की बहनों को बुला के देखो, चमत्कार हो जाएगा बिल्कुल है। झुंड के झुंड आप मिले होंगे कभी उनसे, जो चार बहने हैं, हाँ साध्वी थी, साध्वी दीक्षा ले ली थी श्वेतांबर मठ में, और खूब उसके नियमों का पालन जोरदार वो करती थी बराबर। और उनके यहाँ भ्रष्टता तो बहुत है, हम तो बाजार की चॉकलेट भी खा लेते थे, कुछ भी कर लेते, जिसने जो दिया सो खा लिए। भाई साहब के निमित्त से, सुमत प्रकाश जी के निमित्त से, उसके पहले भी उन्हें गुरुदेव के साहित्य का उन्होंने परिचय किया था। आपको आश्चर्य होगा, चारों ने बड़ी हिम्मत करी और वो दीक्षा छोड़ के सामान्य ब्रह्मचारिणी के रूप में जीवन बिता ले, और चारों हैं, हाँ चारों अच्छी बढ़िया बढ़िया क्लास लेती हैं। बिल्कुल हिंदी समाज में बहुत मांग है, छिंदवाड़ा में, सागर में, जबलपुर में, जहाँ एक बार आती थी लोग बार बार याद करते। एक आए को कहा हमने, जितने मंगल गान होंगे ये जिनवाणी ये भी मंगल गान है, तो हम द्रव्य संग्रह से याद आई हमें कि आत्मा खुदगल कर्मों का करता है, ये व्यवहार नए से कहा जाता है। निश्चय से अपने रागादि भावों का करता है, और शुद्ध निश्चय नए से शुद्ध भावों का करता, परम शुद्ध निश्चय नए से अकर्ता, अहोचित परम अकर्ता नाथ अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष आता है ना। ये क्या है, ये प्रतिपादक वाक्य है, ये वस्तु स्वरूप को बताने वाले। अभी प्रतिपाद्य विषय ये जरा सावधानी से समझने लायक, यानी किसका प्रतिपादन किया जा रहा है, इसकी चर्चा शायद हम परसों कर चुके हैं। एक उदाहरण दिया था, घी का घड़ा, वो घड़े का घी क्या फर्क है दोनों में, बता दिया था ना। एक में घड़ा प्रतिपाद्य है और दूसरे में घी प्रतिपाद्य। ऐसे जैसे अपन ने कहा कि भई ये व्रतशील संयम इत्यादि ये धर्म है, व्यवहार से इसे धर्म कहते हैं, तो इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है कि व्रतशील संयम संबंधी जो सुवराग अंदर में है उसे व्यवहार से धर्म कहा जा रहा है। जड़ की क्रिया को धर्म कहना असद्भूत व्यवहार है, और सुवराग को धर्म कहना एक अपेक्षा उपचरित सद्भूत व्यवहार। जैसे मैंने नए रहस्य में इसको असद्भूत में भी लिया, वो अपेक्षा अलग अलग है। एक फार्मूला और समझना, अभी बताया था ना नए किसे कहते हैं, पहले दिन बताया था पॉइंट ऑफ व्यू, वस्तु के एक धर्म को मुख करना, बाकी को गौण करना, उसे नए कहते हैं। अभी एक परिभाषा और समझ लो, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते, अज्ञाता के अभिप्राय को समझ लो, वक्ता के अभिप्राय को समझ लो। और ये भी याद करना, आप नोट कर सकते हैं, ये वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं ये समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया था। तो वो बच्चा सिनेमा देखने चला गया और माँ उससे कहती है कि आज तो तुम दूसरा शो भी देखे आओ और वहीं सो जाना। तो कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते, क्या कह के क्या कहना चाहते, इशारों में बात होती है, समझना है ना, है? तो कथन तो ये है कि वहीं चले जाओ, वहीं सो जाओ, दूसरा शो भी देखे आओ। और अभिप्राय क्या है कि तुम्हें दंड मिलना चाहिए, ये जो किवाड़ नहीं खोल रहे हैं ना और वहीं भेज रहे हैं, ये पुरस्कार ये पुरस्कार नहीं है कि आज मम्मी बहुत खुश है, ये दंड है ये। तो अभिप्राय समझेगा तो वो सही व्यवहार करेगा, अभिप्राय नहीं समझेगा तो मूर्ख कहेगा कि 10 रुपया और दे दो। अब आजकल तो पता नहीं कितने में टिकटें आती है। तो प्रतिपाद्य विषय किसे बताया जा रहा है, तो जैसे अब ये जैसे घी का घड़ा और घड़े का घी,
इन दोनों में तो सेंटेंस अलग अलग है, लेकिन ये पंचेंद्रीय जीव इसमें एक ही सेंटेंस है। ख्याल में आया ना? और दो अभिप्राय हो सकते हैं वक्ता के, कि वो इंद्रियों को भी जीव कहना चाहता हो व्यवहार से। जब जीव दया का प्रयोजन हो तो शरीर को जीव मानना, कौन से प्रयोजन से? जीव, क्योंकि ऐसा लिखा है समय सार में कि यदि आप जीव और देह दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं ऐसा मान के और फिर अयतनाचार प्रवृत्ति करोगे तो जैसे भस्म को, मतलब व्यवहार से भी जीव और शरीर एक हो नहीं जाते हैं, लेकिन कम से कम उनका संयोग है इसको तो जानो है, नहीं तो दही में जीव हो जाते हैं, दूध की मर्यादा के बाहर जीव हो जाते, इतनी सारी मर्यादाओं का पालन क्यों होता अपने एरिया में? उनके यहाँ गुजराती में उतना नहीं होता होगा लेकिन अपने तो कुछ काफी लोग ध्यान रखते हैं, और इस एरिया में तो जरा ज्यादा ही ध्यान रखते है कि नहीं, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि स्वाध्याय एक तरफ रह जावे और यही में उलझे रहे। सोचो जरा, क्यों? वो जीव पड़ गए, उसमें जीव पड़ गए, दिखाओ तो शरीर दिखेगा। जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती, वैसे वो जीव खाने से भी हिंसा नहीं होती। तो सारा जैन चरणान योग की जो आधारशिला है वो खत्म हो जाएगी। वो जीव और देह की कथनचित एकता, और कथनचित माने किसी अपेक्षा से, समझ में आया ना? आदि आदि नहीं, ये एक व्यू से, संयोग की अपेक्षा से ये एकता। तो इसमें क्या बताना है हमें? तो प्रतिपाद्य विषय समझाना है। पंचेंद्रीय जीव कहकर के शरीर का भी प्रतिपादन किया जा रहा है, और दूसरा अभिप्राय हुए तो शरीर के संयोग से जीव का प्रतिपादन किया जाता है। ये ढीला है असल में, ये इसको कर देता हूं, उससे क्या होगा? पीछे कर दे, ये यार इतने दिन से कहां छिपा रहा था? चलो चलो, अब इसकी आवाज वैसी कर दो, थोड़ी अलग टाइप की है। सब चीजों का पर्ण मन सुल जिस दर्द की जिस क्षेत्र में जिस काल में बदल डालो ना, बहुत पुराने हुए जिस, और आजकल तो वो आते ना वो छोटे छोटे वाले हैं जो हमारे देवलाली के यूट्यूब में आपने देखा होगा, सब जगह में लगा देते हैं, बिल्कुल छोटे रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। तो प्रतिपाद्य वैसे हम बोले पंचेंद्रीय जीव कह के किसका प्रतिपादन किया जा रहा, किसका परिचय दे? तो आप बोलिए शरीर का भी परिचय है और जीव का भी परिचय, बस अभिप्राय फर्क है। जीव को पंचेंद्री कहना ये भी व्यवहार है, और शरीर को जीव कहना ये भी व्यवहार। आज पता नहीं क्यों मुझे एक बात किसी प्रसंग में याद आई थी, 24 तीर्थंकरों के नाम की। नाम किसका होता है? शरीर का कि आत्मा का? है शरीर का ही होता है ना, ऋषभ देव अजित नाथ संभव ना, अपना छोड़ दो, अभय कुमार सुरेश कुमार ये नाम छोड़ दो, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम और वो नाम सौधर्मेंद्र के द्वारा रखे जाते, समझ में है ना? और चिन्ह सौधर्मेंद्र के द्वारा निश्चित किया जाता है। खैर, तो अब वो तो गया, शरीर तो गया कि नहीं, अभी है कि नहीं ना? अब तो भगवान अशरीर ही हो गए ना चौबीसों, तो भी अपन याद करेंगे तो नाम सही करेंगे। अब भले वो शरीर चला गया हो, वो पर्याय चली गई हो, सब कुछ अयोगी दशा और सिद्ध दशा, लेकिन तो भी अपन नाम लेंगे, उनको याद करेंगे तो शरीर से ही करेंगे। ये व्यवहार इतना मजबूत है, इतना प्रबल है, बस इतनी बताना है मुझे है। तो विभिन्न प्रकार के वचनों की वाच्य भूत वस्तु ही प्रतिपाद्य विषय है, ये जानना आवश्यक है कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है, अन्यथा स्पष्ट निर्णय होने के बजाय संशय और विभ्रम खड़े हो जाते। अब देखो, जब कोई चीज सीखते हैं ना तो थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, चाहे टाइपिंग सीखो, चाहे ड्राइविंग सीखो, चाहे रोटी बनाना सीखो,
चाहे प्रवचन करने से। हम तो जब 19 वर्ष के थे तब से प्रवचन करने जाने लगे थे, सब बी काम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तब से प्रवचन करने जाने, सेकंड ईयर से। तो शुरू में तो कहते ना नया मुल्ला जो है ज्यादा जोर से बांग देता है, क्या क्या कुछ है ना ऐसा, तो पॉइंट बना लो, उदाहरण कौन सा देना है, कौन से ग्रंथ का करस बोलना है, क्या बोलना है, पूरी तैयारी से बिल्कुल। और जब वहां बैठे तो जो लिख के ले जाए वो एक न आए। और हमेशा यही कैसा रहा, लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, खूब पाप बांधे होंगे उस समय, सही कहता हूं है? उस समय ये इस जाति का चिंतन ही नहीं था, नया नया था ना सब। हमने गांव में पाठशाला चलती नहीं थी, तो कोई व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं था। जयपुर का विद्यालय तो बहुत बाद में खुला, अब सोनगढ़ जाना हो गुरुदेव से, और सुनते समय गुरुदेव का प्रवचन सुनते समय नोट करना, काय के लिए करना, तो अपने गांव में जाएंगे तो अपने समाज के लोगों को बताएंगे। अब मुझे अब आप लोग सोचो कि जो पुण्य भाव है कि पाप भाव है। इसमें भी अभिप्राय है, यदि विशुद्ध अभिप्राय है कि ये जिनवाणी का माल हमारे मोहल्ले वालों को भी मिले, हमारे गांव वालों को भी मिले, तो पुण्य भाव विशुद्धि है। और मैं बड़ा पंडित बन जाऊंगा और मेरा नाम होएगा कि जो सोनगढ़ रिटर्न है, है ना, तो पाप भाव। बोले वही परिणाम, उसी परिणाम के पीछे जो अभिप्राय है उस परिणाम की प्रकृति बदल देता है, उसका स्वभाव बदल देता है। अभिप्राय का इतना फर्क परिणामों पर होता है, समझ में आया ना? ये थोड़ा सूक्ष्म चिंतन का विषय है। तो कभी भी दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, ये सुबह भी आया था नियम सार के अपनी चर्चा में, तो दूसरों के लिए कुछ नहीं करना। टोडरमल जी ने इतना बढ़िया लिखा है, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और दूसरे सुने तो उसमें संतुष्ट हो जाता है जीव। आज इतनी पब्लिक आए, यार तुम्हारे यहाँ तो इतना बड़ा हाल है, भरते ही नहीं है, वो तो आधा ही रहता है, तो क्या फायदा हमें बुलाने से। भाई साहब, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता है, ये उपदेश भी अपने लिए है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, है कि नहीं? पूजा अभी तो कोई आए नहीं, भक्ति अभी तो कोई आए नहीं, अरे तुम हो और भगवान है, चालू हो जाओ। उसमें लिखा है वो भक्ति के वो बोर्ड लगे हैं ऊपर, वो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है वगैरह या किताब है, तो अकेले में भक्ति नहीं होती क्या? अरे मजेदार भक्ति तो अकेले ही नहीं होती है, फिर तो भक्ति का प्रदर्शन होने लगता है। बोला सौरभ, समझना ये सब चीजें, लेकिन सौरभ की ड्यूटी अलग है। उसको अपने लिए भी करना है और कुछ बहुजन हिताय भी करना, लोग जुड़े, बहनों की क्लास चले, इत्यादि इत्यादि। तो क्लियर हो गया प्रतिपाद्य विषय, पंचेंद्री जीव। ऐसा कहके या तो वक्ता जीव को पंचेंद्री से बताना चाहता है, या शरीर को उपचार से जीव कहना चाहता है। जीव को शरीर कहना ये भी असद्भुत व्यवहार है, और शरीर को जीव कहना ये भी असद्भुत व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार है ऐसा ख्याल में नहीं हो तो मान लेगा, मान तत्व अनादि से दे जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। इसमें वही घी के घड़े और घड़े का घी वाला उदाहरण दिया है, फिर पंचेंद्री जीव वाला देखो मैं पढ़ता हूं, सबसे नीचे की पंक्ति है, फिर पलट देना पेज। इस उदाहरण में दोनों वाक्य अलग अलग हैं, परंतु पंचेंद्री जीव कहने में शरीर और जीव दोनों ही प्रतिपाद्य बिंदु हो सकते हैं। जीव को भी पांच इंद्री वाले शरीर के संयोग की अपेक्षा पंचेंद्री जीव कहते हैं, और पांच इंद्री में ये शरीर पौद्गलिक होने पर भी जीव के संयोग की अपेक्षा उसे जीव कहा जाता है। जिनागम में दोनों शैलियों में कथन है। अतः ये ध्यान रखना आवश्यक है
कब शरीर के संयोग वाले जीव का कथन है और कब जीव का संयोग होने से शरीर को जीव कहा। तो एक तो बता दिया जीव दया का प्रयोजन होवे, व्यवहार अहिंसा का प्रयोजन होवे, हिंसा से बचने का प्रयोजन होवे तो शरीर को जीव कहे। प्राण 10 प्राणों से जीता है, अब वो प्राण क्या है? जीव के पुद्गल, 5 इंद्री पुद्गल है, मन वचन काय पुद्गल है, आयु श्वासोच्छ्वास सब पूरे 10 के 10। और इसमें भी एक और मजे की बात है कि जो असली है ना निश्चय प्राण, वो चेतना रहे तो ये सब प्राण प्राण है। और चेतना चली गई तो इन प्राणों में तो मिट्टी हो गई, तो काय के प्राण है। आयु कर्म तो खिर जाता है वैसे, लेकिन मन द्रव्य मन तो रहता होगा ना, है? अब वचन बरगणाएं तो रहती होंगी लेकिन सब चली जाती। आज अभी मैं पता नहीं कब का था एक प्रवचन पंडित साहब का, जिसका हेडिंग था, अभी मैं सुन ही रहा था कि मोक्ष सुख ही सुख है ये भरोसा नहीं होता जीव को, ये हेडिंग दिया था उसमें। उसमें 3 सूत्र बहुत बढ़िया बताए, क्या कि देह छूटना निश्चित है, चाहे हमें पता हो या नहीं पता, और नहीं पता हो तो हमेशा सावधान रहना और कोई पता करना भी नहीं। कोई अगर ज्योतिषी बता दे रहे तो आप चिंता मत करो 20 साल तक कुछ नहीं होगा, तो 19 साल बाद चेतेंगे, तब तक तो मजा मौज कर लो, संसार के सुख भोग लो, आपको 20 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, हैं? तो ये बड़ी खतरनाक घोषणा है। तो देह छूटना निश्चित है एक बार, और देह छूटने पर जो अपना है वो नहीं छूटेगा और जो कुछ अपना नहीं है वो सब छूट जाए। क्या है? स्त्री है, पुत्र है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, इत्यादि इत्यादि, ये सब छूट जाएगा। और जो अपनी चेतना है, अपना स्वभाव है, और व्यवहार से जो कमाई करी है, कमाई साथ में जाती है नहीं है? इनने कहा नहीं, ये भी सत्य है। इनने कहा हाँ, ये भी सत्य है। ये नो कर्मे वाली कमाई तो नहीं जाती है, वो तो बच्चे पहले ही बांट लेते, समझ में आया? लेकिन दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता, वो कमाई जाएगी। ये एक चिंतन का तरीका, समझ में आया ना? यदि आए थे तो खाली हाथ आए थे, तो हाथ भी साथ में नहीं लाए थे भैया, वे भी मां के पेट में बने है कि नहीं है? हाथ कहाँ लेके आए थे? तुम्हें तो खाली ही रहेंगे, या मुट्ठी बांधे आए थे लेकिन मुट्ठी भी खाली ही थी, किस्मत थी उसमें बस। तो नो कर्म की अपेक्षा ये कहा जाता है कि न कुछ भी लाए थे और न कुछ भी साथ में जाएगा। लेकिन पुण्य पाप के हिसाब से सोचो तो जो बच्चा जन्मा है तुम्हारे हिसाब से वो विद्वान बनेगा, तुम्हारे हिसाब से इंजीनियर बनेगा, कि उसके उदय के हिसाब से बने? तो उदय लेके आया कि नहीं है? आयु लेके आया कि नहीं? पुण्य पाप लेके आया कि नहीं आया? 8 कर्म साथ में आए कि नहीं आए? द्रव्य कर्म ऐसा है, हर चीज को थोड़ा गहराई में जाके सोचना चाहिए। तो ये प्रतिपाद्य विषय समझ में आ गया है, किसके बारे में बात चल रही है? ऐसा ये भगवान जो अनंत भगति मन जाने, जो सो जन विषय कसाय न जाने, है ना? है, तो ये प्रतिपादक वाक्य हुआ। अब किसके बारे में चल रही है? तो अनंत आदि के प्रति जो भक्ति का सुभराग है वो व्यवहार से भक्ति है। आज सुबह आया था ना भक्ति अधिकार, और पंडित साहब के प्रवचन में था दत्तगण श्रावकाचार्य के आधार से उन्होंने एक वाक्य बोला, अनंत भक्ति में और सम्यक्त में कोई अंतर नहीं। बोलो, वो अपन तो दिन रात भक्ति कर रहे हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, नाच रहे हो, हैं? अरे ये भक्ति का पाप भाव होवे तो ये प्रदर्शन है, और पुण्य भाव होवे तो अभिव्यक्ति।
कोई जरूरी नहीं है कि जो अच्छे स्वरों में गा रहा है तो वो प्रदर्शन के लिए ही गा रहा है। अब उसका तरंग उछल जाए, आवाज तो जैसी है वैसी रहेगी, वो खराब थोड़ी खल लेगा। समझ में आया ना, आवाज तो जैसी है वैसी रहेगी। इसी तरह अगर किसी का पैर भी थिरकने लगे और प्रसंग वैसा हो गए तो वो नृत्य भी कर सकता है। तो आप एक बात समझ लेना, हर चीज को अपन पॉजिटिव व्यू से देखो, भले उसमें नेगेटिव हो गए तो वो प्रदर्शन के लिए कर रहा है, तो भी तुम तो यही समझो कि वाह क्या बढ़िया उसका भक्ति का भाव है। दूसरे की क्रिया से मूल्यांकन करना और अपना परिणाम से और अभिप्राय से मूल्यांकन, ये उसमें लिखा है क्रिया परिणाम अभिप्राय। किसी ने दान दिया तो अटकलबाजी नहीं लगाना कि दो नंबर का एक नंबर करना है, इन्हें कब्जा करना है, इन्हें ट्रस्टी बनना है। जिसके अंदर वो नेगेटिविटी भरी रहती ना, उसके वे कीटाणु बोलते रहते। समझ रहे आप पंडित जी, आप समझते नहीं हो, इनको समाज का अध्यक्ष बनना है, इन्हें वोट चाहिए। अब 5 लाख लिखाए दिए, अब भिंड में तो ऐसे ही भूल जाते हैं। अब न जाने कब देंगे कब नहीं देंगे। अरे तुम्हारा कब बिगड़ा? कम से कम 5 लाख मांगने के तुम्हें हक तो मिल गया उससे, और उसके भाव भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। सही सोचना, तो गलत है कि सही है ये मत देखना। अच्छी क्रियाएं हैं तो उनका सम्मान ही कर, ये एक सामंजस्य वातावरण बनाने का स्वरूप है। अभी एक पॉइंट और लिखो, प्रतिपादन का संदर्भ 56 पेज आ गया ना इसमें है? निश्चय व्यवहार नय के प्रयोगों में ये जानना भी आवश्यक है कि इस कथन द्वारा स्वपर की एकता या स्वस्वामी संबंध की बात कही जा रही है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग या ज्ञाता के संबंध की बात कही जा रही। मैंने क्रोध किया, इस कथन में आत्मा को क्रोध का कर्ता कहा गया, और मैं क्रोध से दुखी हुआ, इस कथन में आत्मा को क्रोध का भोक्ता कहा गया। सुनो सुनो, ये पर वस्तुओं से मुख्यतया हमारा 4 तरह से हम संबंध जोड़ते, या तो स्वस्वामी संबंध, या कर्ता कर्म संबंध, या भोक्ता भोग संबंध, कुछ नहीं तो ज्ञाता के संबंध। समझ में आए ना? तो व्यवहार नय जो है इन चारों भाषाओं में, चारों प्रसंगों में लागू पड़ता। मैं मनुष्य हूं, ये स्वस्वामी संबंध हो गया, मेरा शरीर, समझ में आया, मेरी स्त्री, मेरा मकान, ये स्वस्वामी संबंध हो गया, ख्याल में आए ना? और मैंने मकान बनाया, ये क्या हो गया? ये कर्ता कर्म संबंध हो गया। तो मेरा मैंने मकान खरीदा, ये भी असद्भूत व्यवहार का कथन है, वो ही उपचरित असद्भूत। मैंने मकान बनाया, ये भी उपचरित असद्भूत। और इस मकान में बड़ा अच्छा है, हवादार है, प्रकाश है, फलाना है, हमें तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अच्छा लगता है यहाँ, तो ये भोक्ता भोग संबंध हो गया। और मैं इसे जानता हूं, समझ में आया? अभी 2-3 दिन पहले दादा के प्रवचन में भी ये बात आई थी, शायद कल ही, और ऐसी बातें उनके प्रवचन में बहुत दुर्लभता से आती हैं, जब वो ज्ञाता के संबंध को भी व्यवहार में लेते। समझ में आया ना? तो मतलब समझे ना, मैं ज्ञाता और ये वस्तु मेरा गे, तो जानना वो व्यवहार नहीं है, वो तो आत्मा का स्वभाव ही है। लेकिन जानने में जान नहीं है कि गे पदार्थ अंदर आ गया, ज्ञान का गे का ज्ञान हो गया। हम जो घड़ी दिख रही है सामने, इसको जान रहे, तो हमारे बीच में क्या संबंध हुआ बताओ है? तो एक संबंध कहने का ही हुआ ना, असल में तो नहीं हुआ ना, तो घड़ी में ज्ञान गया और न ज्ञान में घड़ी आई, घड़ी घड़ी में रही, ज्ञान ज्ञान में रहा, लेकिन ज्ञान में घड़ी जैसा आकार बना, तो संबंध बोल दिया। इस संबंध को व्यवहार कहते हैं। जो ज्ञान में जान पना हो रहा है वो तो ज्ञान का
स्वपर प्रकाशक का प्रणमन है, लेकिन संबंध की भाषा बोलना कि इसका ज्ञान, मकान का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, अब ज्ञान और पुस्तक का क्या संबंध? ज्ञान से पैदा हुआ, पुस्तक से पैदा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, ज्ञान तो अंदर की ज्ञान चेतना में से प्रकट हुआ। निमित्त कहो तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हुआ, समझ में आया ना? तो क्या लेना देना गे से, क्या लेना देना? तो ये देखना पड़ेगा कि कर्ता कर्म के प्रसंग वाला व्यवहार है कि भोक्ता भोग के प्रसंग वाला व्यवहार है कि स्वस्वामी संबंध वाला व्यवहार है। बस ये प्रतिपादन का संदर्भ माने किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। अब केवली भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने उपदेश दिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब इसमें आपको नए भी लगाना है और संदर्भ भी लगाना है। तो नए कैसे लगाएंगे कि आत्मा को वाणी का कर्ता कहा जा रहा है तो ये असद्भूत व्यवहार का कथन हुआ। आपको भेद भी समझना थे ना, तो ये पर वस्तु से संबंध बताना ये असद्भूत, और वाणी तो अंदर की भाषा वर्गणा का प्रणमन है, इसलिए उसे अनुपचरित में भी ले सकते। समझ में आए ना? शरीर, वाणी, मन, इन सबको अनुपचरित में ले सकते, जो भिन्न चीजें हैं वो उपचरित में जाती। तो भगवान ने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ये असद्भूत व्यवहार का कथन हुआ। ठीक है, अब संदर्भ कौन सा? कि भगवान को कर्ता कहा और वाणी को उसका कर्म कहा। तो ये दो पदार्थों में कर्ता कर्म होता है। परसों दरसों बताया था व्यवहार में स्वद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य को किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है, और ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यात्व होता। गजब की बात तो ये है। तो कर्ता कर्म वाला ऐसे भोक्ता भोग में लगा सकते हैं। भगवान तो पर वस्तुओं को भोगते नहीं है, वो तो जानते मात्र हैं। तो लोका लोक को जानते हैं ऐसा कहना भी असद्भूत व्यवहार का कथन। क्यों क्यों व्यवहार का कथन क्यों? क्योंकि इसमें ज्ञान और ज्ञे में संबंध जोड़ा गया। दो वस्तुओं में रिश्तेदारी तो बनाई दी कि हम ज्ञाता हैं और लोका लोक के पदार्थ ज्ञे हैं। नहीं जानते ऐसा नहीं है, लेकिन जानने में कोई संबंध तो हुआ ही नहीं। लोक में भी देखो, जानने मात्र को कोई संबंध मानता है? है? बोलो आप, कोई आप किसी वस्तु को जानते हैं तो जानना मात्र हुआ, उसके साथ वो हमारी हो गई कि हम उसके हो गए, ऐसा कोई संबंध कहाँ देखा जाता? ऐसा है तो देखो और नीचे वाला पैराग्राफ। क्रोध परिणाम स्वयं में निश्चय व्यवहार में कुछ नहीं है। क्या मतलब इसका? हमने कहा क्रोध आया तो निश्चय हुआ कि व्यवहार हुआ। एक बताया था ये भी शायद, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है, ये इसमें भी पहले आ चुका है। सुनो बड़ी मजेदार, ये तो उदाहरण दिया था ना घी का घड़ा, तो निश्चय किसने? घड़े में कि घी में? और व्यवहार किसने? वस्तु में नहीं होता, क्रिया में नहीं होता, ज्ञान में होता है। तो क्रोध आया, जैसे बनी भगवान की पूजा करी तो निश्चय किया कि व्यवहार किया? अरे पूजा करी, उस पूजा को धर्म कहना, आत्मा को उसका कर्ता कहना, तो व्यवहार हो गया। और वो सुवराग की क्रिया अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से हुई। समझ में आए ना? तो राग को राग कहना ये क्या है? राग को राग कहना क्या है? निश्चय के व्यवहार। तू तो पढ़ लिया ना वहां गुना में, वो व्यवहार ये आता नहीं था, लेकिन रात के प्रवचन में आ नहीं पाता था। इसकी इसके पिताजी आते थे, इसकी ड्यूटी दुकान पे रहती थी। अब सुन ले भाई, है राग को राग कहना निश्चय, और अगर उन राग का कर्ता पर को कहना, तो कर्म के उदय से हुआ,
कि उन्हें कह दिया इसलिए हुआ, तो व्यवहार में चला गया। तो समझने की बात है जरा है। तो क्रोध परिणाम स्वयं में निश्चय व्यवहार में कुछ नहीं है, स्वयं में उस क्रोध में निश्चय पना या व्यवहार पना नहीं। क्रोध एक निरूपण दो, अब निश्चय व्यवहार। परंतु जब उसका जीव या पुद्गल के साथ एकत्व कर्तत्व भोक्तत्व बताया जाए, तब उसमें यथार्थ या उपचरित निरूपण की अपेक्षा से निश्चय व्यवहार न घटित हो। समझ में आया? आत्मा का कहना तो एक अपेक्षा से निश्चय भी लगेगा, एक अपेक्षा से व्यवहार। शुद्ध आत्मा को मुख्य करोगे तो आत्मा को क्रोध का कर्ता कहना व्यवहार हो जाए, और पर्याय को मुख्य करोगे तो आत्मा को क्रोध का कर्ता कहना निश्चय हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, है? पंडित टोडरमल जी ने व्रतशील संयम को व्यवहार कहने का निषेध किया है। व्रतशील संयम करना के नहीं करना ये तो सवाल ही नहीं है, है ना? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है करना के नहीं करना। मैं कहता हूं जो करते हैं वे नहीं करके बताओ, जिन्हें करने के भाव होते हैं वे नहीं करके बतावे, और जिनके भाव नहीं होते हैं वे करके बतावे। अपने वो परिणाम तो अपनी योग्यता से होने वाला है तो होगा ही होगा, लेकिन उसे व्यवहार कहना, समझ में आया ना? क्यों? वो व्यवहार नहीं है, उसके निरूपण में व्यवहार। किसी द्रव्य भाव को निश्चय और किसी को व्यवहार कहना ठीक नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रसंग में व्रतशील संयम को व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग प्ररूपित किया, इसलिए व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। बात समझ में आती? कठिन तो नहीं है? अब ये समझ लो, एक आदमी ने चतुर्दशी के दिन उपवास किया, तो अपन नए की भाषा में बता सकते निश्चय किया कि व्यवहार किया। अब उसका निरूपण करो कि उसने क्या किया, तो भोजन नहीं किया, ये कहना असद्भूत व्यवहार का कथन। उपवास करने के स्वभाव किया, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का कथन। और थोड़ा गहराई में जाओ तो भोजन की क्रिया को और उसके स्वभाव को जाना, क्योंकि आत्मा तो मात्र जानने वाला है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो जे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का कथन हुआ जानना। और परम शुद्ध निश्चय में से देखो तो वो तो अकड़ता है, उसमें कुछ किए नहीं। समझ में आया ना? ऐसा है भाई। फिर चौथा पॉइंट कौन सा है? प्रतिपादन का प्रयोजन, ये समझना बहुत जरूरी। अपन लोग नए तो लगा लेते, क्यों लगाया, क्यों लगाओ भैया, क्यों की बीमारी लगाओ है? जो क्रिया में हम कर रहे हैं सो क्यों कर रहे हैं? शिविर लगाना तो क्यों लगा, और कोई कहे नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, एक रोटी सामने वाला आया कि एक रोटी और ले लो, तो अपन सोचो कि हाँ कही तो क्यों कही, इनको खुश करने के लिए कही है, कि शाम को भूख नहीं लगे जल्दी इसलिए कही, कि वास्तव में हमें रिक्वायरमेंट है इसलिए कही, है ना? क्यों कही? और मना कर दिया तो क्यों कर, गुस्से में किया कि अच्छी नहीं लग रही है, पसंद नहीं आ रहा है खाना इसलिए मना। अब क्यों के बारे में यानी परिणामों की चित्र आपको मिल जाएगा उसमें। क्या बोलते हो, MRI या सोनोग्राफी होती ना, वो माइंड की क्या होती है, MRI होती ना, हाँ ये एक्सरे, आपको पता चल जाएगा जो कर रहे हैं सो क्यों कर रहे हर चीज में, लौकिक क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में, नयों में। आत्मा निश्चय से शुद्ध है, क्यों बताया? पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, स्वभाव का लक्ष्य करो, मोक्ष मार्ग प्रकट करो, इसके लिए बताया। समझ में आए ना? अरे वर्तमान पर्याय में अनादि से अशुद्ध चल रहा है, कर्मों का संयम क्यों बताया? क्यों? राग को राग जाने, आश्रव को दुख रूप जाने, तो जान के छोड़े इसलिए बताए। समझ, वही बताया ना मैंने कि जीव को शरीर क्यों कहा,
है, शरीर से क्यों बताया, ताकि जो शरीर के संयोग में है तो शरीर से पहचानता है। शरीर को जीव क्यों कहा, ताकि हम जीव हिंसा से बचे। इस हर चीज में प्रयोजन जाने बिना नए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, कोरी पंडिताई है, है? तो देखो इसमें लिखा है, समय भी अपना हो रहा है, किसी भी अपेक्षा वस्तु का निरूपण किया जाए उसमें वेद ज्ञान और वितरकता के प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार हो रही है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। और प्रयोजन मोक्ष मार्ग में कौन सा, देखो सुनो भैया, ये प्रयोजन वाली बात भी आत्महित के लिए बहुत जरूरी, कहीं हम प्रयोजन में भटक तो नहीं रहे। एक हमारा लेख है, तुमने देखा आयोजन का प्रयोजन है, अब वो शायद ईमेल में पढ़ा होगा या कहीं पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया पढ़ने लायक, आयोजन का प्रयोजन। प्राय हम आयोजनों की चकाचौंध में प्रयोजन भूल जाते, समझ रहे, 10 लक्षण है तो पर्व मनाने का क्या प्रयोजन, तो थोड़ा संयम से रहें, स्वाध्याय ज्यादा करें, विशुद्धि बढ़े, इसके लिए पर्व मनाए जाते हैं। कब नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, है इनके यहाँ कुछ होता ही नहीं है। अरे कई जगह तो घरों में इसलिए झगड़ा होता है, तुम चतुर्दशी को उपवास नहीं कर सकते, हम 4 जनों में औरतों में क्या जवाब देंगे के? हमारे तो भी श्रीमान जी 3 दफे खाते, उनका तो भैया डायबिटीज की मरीज है, उनका तो चलता ही, बड़ी शर्म लगती कहने में कि इनने उपवास नहीं किया, तो देवी जी के कहने में उपवास करना पड़ा। सो जाओ, डायबिटीज को जो होना होएगा सो होएगा। क्यों करना, विशुद्धि बढ़ाने की। बस मोक्ष मार्ग में एकमात्र प्रयोजन वितरकता का, तत्व अभ्यास वितरकता के लिए, सम्यक दर्शन वितरकता के लिए, स्वाध्याय वितरकता के लिए, समझ में, वेद विज्ञान करना वो भी मूल प्रयोजन नहीं है, स्व पर को भिन्न जानना मूल प्रयोजन नहीं है, उसका भी प्रयोजन है वितरक, क्योंकि वेद ज्ञान के बिना वितरकता नहीं होती, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र माने वितरकता नहीं होती, इसलिए जरूरी मूल एकमात्र प्रयोजन, क्योंकि वितरागता ही मुक्ति है। क्या हो जिनवाणी बताते ना, जिनवाणी कहलाती है, वितरागता ही धर्म है ना, क्या है, हाँ वितरागता की पोषण मुक्ति के लिए। तो देखो इसमें 2 लिए, वेद ज्ञान और वितरागता, 57 नंबर आ गया, वेद ज्ञान और वितरकता के प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार हो रही है ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यथार्थ तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। घी का घड़ा कहने का प्रयोजन घड़े में रखे हुए घी का ज्ञान कराए, और घड़े का घी कहने का प्रयोजन, समझ लिया है, इसमें तो घी की मुख्यता है, वैसे तो घी से घड़े की पहचान कराना, ये लोक में घी का घड़ा कह के घी को भी फोकस करते हैं, वो अभक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। इस प्रकार व्रतशील संयम को मोक्ष मार्ग कहने का प्रयोजन कि मोक्ष मार्ग के निमित्त वा सहचारी है, ऐसा ज्ञान कराना है, ना कि इन्हीं को मोक्ष मार्ग मान लेना। वृत्तशील संयम को बंध का कारण कहने का प्रयोजन इन्हें वास्तविक मोक्ष मार्ग न मानकर वितरकता को वास्तविक मोक्ष मार्ग बताना है, ना कि इन्हें छोड़कर स्वच्छंद परिवर्तन करना। यानी आप गलत प्रयोजन अगर आपने समझ लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, इसलिए हमें कैसे पता चले कि हम सही समझ रहे कि गलत समझ रहे, आपका वितराग भावों के अनुकूल बात जा रही है कि विरुद्ध बात जा रही है, इतना तो अपन निर्णय कर ही सकते हैं। तो ये 4 चीजें पॉइंट अपन ने बताए, कौन से, प्रतिपाद्य बिंदु, प्रतिपादक वाक्य, प्रतिपादन की अपेक्षा, प्रतिपादन का प्रयोजन, इन्हें आप बार बार पढ़ ले रहे, तैयार करें, ये लोग 2-4 प्रश्न भी इसमें रख देंगे,
और अभी व्यवहार लेके कथनों को कैसे समझना, क्यों समझना, थोड़ा इसके भी इसमें आगे 58-59 पेज पे कुछ चार्ट वगैरह दिए हैं, उसके आधार से मैं आप चर्चा करूंगा। और ये 60 पेज पे 3 पॉइंट व्यवहार के हैं ये भी बताऊंगा। अभी यही विराम।